उर्दू पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर देश भर में उर्दू पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं मुरादाबाद में भी 200वां उर्दू पत्रकारिता दिवस मनाया गया। इस मौके पर उर्दू दानिशवरों ने शिरकत कर उर्दू पर अपने ख्यालात पेश किए। इस कार्यक्रम का संचालन महाराजा डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग की HOD असमा जहरा ने किया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के आयोजक मिर्ज़ा मुर्तज़ा इकबाल ने बताया, 200 साल पहले आज के ही दिन 1822 में कोलकाता से हरिहर दत्ता ने सबसे पहले उर्दू अखबार जामे जहानुमा निकाला था, जिसकी वजह से हर साल आज के दिन को उर्दू पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोग्राम में उर्दू दानिशवरों ने उर्दू पर अपने विचार पेश करते हुए कहा, मुल्क की आज़ादी में उर्दू पत्रकारिता का भी अहम किरदार रहा है। अंग्रेज़ों ने उर्दू पत्रकार मोहम्मद बाकर को इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि उन्होंने उर्दू पत्रकारिता के ज़रिए मुल्क को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ उठाई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक चलाई थी। उन्होंने कहा, हमें उर्दू को बढ़ावा देने के लिए अपने बच्चों को हिंदी तालीम के साथ साथ उर्दू की तालीम भी दिलानी होगी, साथ ही बेटों के साथ बेटियों को भी शिक्षा दिलाएं, क्योंकि अगर हम अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाएंगे तो हमें लड़कियों को दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 27 मार्च 1822 को पंडित हरिहर दत्त शर्मा ने उर्दू का अव्वलीन अखबार जामे जहानुमा कलकत्ता से शाया किया था, जिसके एडिटर मुंशी सदा सुखलाल मिर्ज़ापुरी थे, जिसके प्रकाशक मिस्टर विलियम थे जो अंग्रेज़ थे, और यह अखबार कंपनी बहादुर के ज़ेर निगरानी निकलता था, लेकिन इसके बावजूद भी इस अखबार ने अंग्रेज़ हुक्काम और अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ उसके जारहाना और ज़ालिमाना अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और एहतजाज बुलंद किया और सहाफ़त को एक राह का तयन किया। उर्दू पत्रकारिता हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की जान है, जमहूरियत की जान है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जान है। इनकलाब जिंदाबाद उर्दू का नारा है जो मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था, और इसे एक नारे से उर्दू की पूरी वजाहत हो जाती है।